प्यारे बच्चों, कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.2 है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कक्षा 6 से 10 तक गणित का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मुझे इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले ये होता है गणित में कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़े तो आप उत्तर भी आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल में, मतलब कोई भी स्कूल है, उसमें एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। और पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई तो पहले दिन स्कूल की खिड़की पर 1094 टिकट बेचे गए, बांटे गए। दूसरे दिन 1812 टिकट, तीसरे दिन 2050 टिकट और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, मैं पहले इसको आपको छोटी संख्या में बताता हूँ। मान लो कोई स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी लगी, पहले दिन 2 टिकट दे दिए, दूसरे दिन 3 टिकट दे दिए, चौथे दिन फिर 2 टिकट दे दिए, फिर अगले दिन 1 टिकट दे दिया। तो बताओ स्कूल में टोटल कितने टिकट बेचे गए? 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8। कहने का मतलब 8 टिकट बेचे गए। तो हमें क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो टिकटों की कुल संख्या हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले दिन बेचे गए टिकट। बताओ बेटा कितने टिकट बेचे गए? देखो यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम, और यहाँ क्या लिखा है, क्रमशः। इसका मतलब पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये और अंतिम दिन ये हो जाएगा। बताओ पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? 1094, ठीक है। अब दूसरे दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन बेचे कितने टिकट? 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट, बताओ बेटा कितने? 2050। और चौथे दिन या अंतिम दिन बेचे गए टिकट, बताओ बेटा कितने टिकट बेचे? 2751 टिकट बेचे गए। आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, मैंने जगह छोड़ी है, इसमें आपको ये लिखना है, ठीक है ना। अब ऊपर है कुल कितने टिकट बेचे गए, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है कुल टिकटों की संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए कुल टिकटों की संख्या, मतलब कुल कितने टिकट बेचे गए, ठीक है ना। तो अगर आपसे कुल संख्या पूछ ले तो आपको क्या करना है, जोड़ करना है, सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 4 और 1 4 और 2 6 6 और 1 7, आगे 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 5 20, आखिर का 2 2 और 8 10 10 और 7 17, आखिर का 1 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7। तो बताओ कुल कितने टिकट बेचे गए? 7707 टिकट बेचे गए। ये हो जाएगा आपका आंसर। आए समझ में? देखो प्रश्न संख्या 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है, ठीक है। वह 10000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? शेखर एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसे 10000 रन बनाने हैं, उसमें से वो 6980 रन बना चुका है। अब पूछ रहा है कि उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे, उसके कितने रन हो जाए, 10000। तो इसको भी पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। मान लीजिए शेखर को 10 रन बनाने, टोटल कितने रन बनाने, 10। अब तक वो कितने बना चुका, 6 रन बना चुका, अब तक वो 6 रन बना चुका और उसको जरूरत कितने की है, 10 की। तो बताओ और कितने रन बनाने पड़ेंगे इसको, 10 हो जाए, कितने 4 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना।
बता बेटा चार कैसे आएगा, जब 10 में से हम कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है, कितने रन बनाने हैं 10,000, कितने बना चुका है 6,980। अब और कितने चाहिए, हम क्या करेंगे 10,000 में से कितना माइनस कर देंगे 6,980 माइनस कर देंगे ताकि जो भी होगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहले हल में लिखते हैं, हल शेखर, शेखर को रन बनाने हैं, बताओ कुल कितने रन बनाने हैं 10,000, ठीक है। वह शेखर रन बना चुका, पता बेटा कितने रन बना लिए शेखर ने 6,980। अब कह रहे हैं उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, हम इसलिए शेखर को शेष रनों की आवश्यकता और कितने रनों की आवश्यकता है बताओ, हम क्या कर देंगे, हम करेंगे 10,000 में से माइनस कर देंगे 6,980 घटा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से जीरो में से जीरो गया तो जीरो, ठीक है। अब देखो जीरो में से 8 नहीं घटा सकते, इधर से क्या लेना पड़ेगा उधार लेते कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, अब तक उधार लिया था तो यहाँ 10 तो यहाँ 9 गया, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। और यहाँ भी कितना 9 में से 6 गया तो 3, बताओ उसको और कितने रन बनाने की जरूरत है 3,020 और रन बनाएगा वो, तब जाके उसके रन कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 577,500 मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 348,700 मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो सफल प्रत्याशी का मतलब तो जीतने वाला और निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब है दूसरे नंबर पर रहने वाला। तो जैसे मान लीजिए कि सफल प्रत्याशी को 10 वोट मिले, कितने वोट मिले 10, और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को 4 वोट मिले, तो बताओ ये सफल प्रत्याशी कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता 6 वोटों से जीता। कैसे पता चला 10 में से कितना घटाया 4, कितना आ गया 6, समझ में आ गया प्रश्न हल। सफल प्रत्याशी ने जितने वोटों ये जो वोट है सफल प्रत्याशी के उसको हमें माइनस करना है निकट प्रतिद्वंदी के वोटों से, तो उसकी जीत आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी को प्राप्त वोट, हल लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत, ठीक है। बताओ बेटे कितने मत प्राप्त हुए, 577,500, ठीक है। अब दूसरा निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत, निकटतम प्रति द्वंदी को प्राप्त मत, बताओ बेटे निकट प्रतिद्वंदी को कितने मत प्राप्त हुए, 348,700, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता कितने मतों से, ठीक है। क्या करेंगे भी मैंने बताया माइनस करेंगे, तो करो माइनस, माइनस जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, एक देखो 5 में 7 नहीं घटा सकते, एक उधार लेंगे,
एक उदाहरण लेते हैं, कितना हो गया 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है ना। अब देखो एक 6 रह गया, एक उदाहरण लो 16, 16 में से 8 गया तो 8, अब यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 3 गया तो 2। इकाई दाई सैकड़ा अल्पविराम, इकाई दाई अल्पविराम। तो बताओ सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तकें और दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का जो मूल्य है दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर आ रहा है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब हम इन दोनों में देख लेंगे दोनों में ज़्यादा कौन है, 2,85,891 और 4,700, दोनों में अधिक कौन है, अधिक ये वाला है, 4 लाख अधिक होता है, तो ये वाला आपका इससे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री होगी। और कितनी अधिक हुई, कितनी अधिक हुई मतलब इसमें कितने अधिक उसको पैसा मिला, तो इसमें से ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कीर्ति बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह में रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, हम क्या लिखेंगे हल में, प्रथम नाम लिखना चाहो तो लिख दो आप कीर्ति बुक स्टोर का नाम, ठीक है ना। प्रथम सप्ताह में बिक्री बताओ बेटा कितने की हुई, 2,85,891 रुपये, ठीक है, यहाँ लिख देना कीर्ति बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह की बिक्री। अब लिखेंगे दूसरे सप्ताह की में बिक्री, दूसरे सप्ताह में बिक्री बताओ बेटा दूसरे सप्ताह में कितने कितनी की बिक्री हुई उसके, दूसरे सप्ताह में 4,00,000, ठीक है, 768 रुपये की, ठीक है। अब दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो यहाँ लिखो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, तो कुल के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ो 1 और 8 9, 9 6 15, हाँ सिंका 1 1, ठीक है ना, 1 और 8 9, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16, हाँ सिंका 1 1 और 5 6, ठीक है, 8 और 0 8, 4 और 2 6, तो बताओ बेटा कुल कितने की बिक्री हो गई उसको दोनों सप्ताह में, 6,86,659 रुपये की बिक्री हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या पूछी, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई बताओ, दोनों में से कौन से सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में हुई अधिक बिक्री, क्योंकि ये ज्यादा है, दूसरा उत्तर आ जाएगा दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री, ठीक है ना। और तीसरा क्या पूछा है, और कितनी अधिक हुई, और कितनी अधिक हुई मतलब कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है ना, अधिक। इसके लिए क्या करेंगे बताओ बेटा, दूसरे सप्ताह में कितनी, 4,768, इसमें माइनस कर देंगे कितना, 2,85,891 घटा देंगे, ठीक है ना। अब घटाओ कर देख लो यहाँ पे,
4,768, इसमें से माइनस करेंगे 2,85,891 घटाओ 8 में से एक क्या को 7, सब में से 9 नहीं घटा सकते, एक उधार लेंगे कितना हो गया 16, 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है ना, यहाँ 6 रह गया, अगर नहीं घटा सकते एक उधार को 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है, उधार ले दिया 9 रह गया, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2, बताओ कितनी अधिक बिक्री, अधिक बिक्री कितनी हुई, कितनी अधिक बिक्री 2,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2,14,877 रुपए की ज्यादा बिक्री हुई, ठीक है ना, दूसरे सप्ताह में। सवाल नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो अंक दे रखे हैं इन अंकों से आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर बताना है, अंतर मतलब माइनस बाकी करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, बताओ बेटा इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बताया था मैंने बाएं तरफ से इधर से जो सबसे बड़ा अंक हो लेते, पहले बताओ सबसे बड़ा अंक कितना है 7, फिर इसके बाद वाला अंक कितना है 6, फिर इससे कम कौन सा है 4, फिर इससे कम कौन सा है 3, फिर इससे कम कौन सा है 2, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब बनानी है सबसे छोटी संख्या, बताओ सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, किधर से लेते हैं मतलब किधर से, बाई तरफ से छोटी संख्या बनाती है, सबसे छोटा है कितना है 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 6 और फिर इससे बड़ा 7, ठीक है ना, ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हम क्या ज्ञात करेंगे अंतर, मैंने बताया अभी अंतर में आपको क्या करना है, माइनस करना है, बाकी करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो घटाओ बेटा, उदाहरण है किधर से, देखो 2 में से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते, उधार लेना पड़ेगा, उधार लेते कितना हो गया 12, 12 में से 7 गया तो 5, अब यहाँ कितना रह गया 2 रह गया, 2 में से 6 नहीं घटा सकते, उधार लो कितना हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6, अब यहाँ 3 ही रह गया, 3 में 4 नहीं घटा सकते, उधार लो 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गए तो 2 और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5, ये आ जाएगा आपका आंसर, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, एक मशीन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, आपसे पूछ रहा है कि एक मशीन है वो एक दिन में ये पेज बनाती है, तो क्या लिखेंगे, अलमेरे को ध्यान से समझ लेना, इधर मशीन द्वारा एक दिन में बनाए पेज, बताओ बेटा कितने पेज बनाती है, 2,825, ठीक है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, हमें क्या निकालना है, जनवरी 2006 में बनाए पेज, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, जनवरी का महीना किसी भी साल में हो
उसमें 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। तो अगर कोई मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है तो हमें अब कितने दिन का बनाना है? 31 दिन का बनाना है। अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में दो रोटी खाता है, एक दिन में कितनी रोटी खाता है? दो। तो बताओ बेटा वो पाँच दिन में कितनी रोटी खाएगा? पाँच दिन में, एक दिन में दो रोटी खा लेता है, पाँच दिन में कितनी रोटी खाएगा? आप क्या कहोगे सर? दस खाएगा। कैसे खाएगा? दो को किससे गुणा करेंगे? पाँच से। तभी तो कितना आएगा? दस आएगा ना। यहाँ भी एक दिन में कितने पेज बनाती है? 2831। हमें कितने दिन बनाने हैं? 31 दिन, क्योंकि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 को इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2825 को गुणा करेंगे किससे? 31 से। करो गुणा, 2825 को गुणा करेंगे 31 से। एक पंचो एक, दो एक, आठ और एक दो, सेम आ जाएगा। यहाँ देखो, पाँच तीन पंद्रह, हासिल का एक, तीन दो छः और एक कितना हो गया? सात। हासिल का कुछ नहीं, आठ थी चौबीस, हासिल का दो, तीन दो छः और दो कितना हो गया? आठ। पाँच सात, आठ और सात पंद्रह, हासिल का एक, एक और दो तीन, तीन और चार कितना हो गया? सात, और ये आठ का आठ। तो बताओ कितने पेज बना लिए? 87,575 पेज बन जाएंगे। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। तो ये आपके इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, 6 प्रश्न तक। इसके बाकी के जो सवाल है, प्रश्न है, वो अगले वीडियो में करेंगे हम। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मुझे भी मिल सके और उसका फ़ायदा आपको भी मिल सके। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। प्रिंस क्लासेज यूट्यूब चैनल इसी प्रकार से आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है। और पूरा वीडियो देखिए, एक बार समझ में नहीं आता है दो बार समझिए, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।